हे गाइस, आप सबका स्वागत है जॉब की जानकारी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ECIL जूनियर टेक्नीशियन की भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, इसके अंदर कुल मिला के 1625 पोस्ट निकाली गई हैं और इसके अंदर कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला, ये डायरेक्ट भर्ती होने वाली है। साथ ही दोस्तों, इसके अंदर कोई भी फीस नहीं रखी गई है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपने ITI कर रखा है, वो भी इन तीन ट्रेड से, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जानते हैं और एक एक डिटेल देखते हैं क्या क्या निकली है। सबसे पहले बता दूं कि इसके अंदर 1625 की पोस्ट है, जो कि बहुत अच्छी पोस्ट है। अब बात करें इसकी डेट्स की, तो यहाँ पे जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपका 1/4/2022 से शुरू हो जाएगा, मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना। लास्ट डेट फॉर्म की यहाँ पे 11 अप्रैल की रखी गई है। फीस यहाँ पे कोई भी हर कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं है, जीरो फीस है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज कुछ भी नहीं रखी गई है और मैक्सिमम एज यहाँ पे आपकी 30 साल की रखी गई है। अब चलिए दोस्तों, इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो पहले बात करते हैं नॉर्मल क्वालिफिकेशन की, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन और एडवांटेज क्वालिफिकेशन भी मांगा गया है। तो नॉर्मल क्वालिफिकेशन में आपने 2 साल का ITI कोर्स कर रखा हो, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड के अंदर। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे एक एडिशनल क्वालिफिकेशन भी मांगा गया है कि उसके अनुसार यहाँ पे 1 साल की आपने अप्रेंटिसशिप करी हो NIC के द्वारा, ठीक है, और ये दोस्तों मैंडेटरी है। अब बात करें एडवांटेज क्वालिफिकेशन, अगर ये क्वालिफिकेशन आपके अंदर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे एडवांटेज क्वालिफिकेशन ये है कि आपके यहाँ पे 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, क्वालिटी के अंदर, मटेरियल मैनेजमेंट, इन सब के अंदर। तो दोस्तों, ये थी पूरी क्वालिफिकेशन डिटेल आपकी। अब बात करते हैं इसकी कॉन्ट्रैक्ट की। जी हाँ दोस्तों, ये जो जॉब है, ये जो वैकेंसी है, ये आपकी पूरी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी है अभी, ठीक है। तो इसके अंदर आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, अगर अच्छी परफॉर्मेंस रही आपकी इस पोस्ट पे, तो ये 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब बात करें इसके अंदर सिलेक्शन कैसे होगा आपका, तो सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा उनके ट्रेड वाइज के अकॉर्डिंग, जहाँ पे उनकी मेरिट बनेगी, उनके जो मार्कशीट होंगे उसके आधार पे, यानी कि ITI में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे उसके आधार पे। और अगर दोस्तों यहाँ पे अगर ITI के नंबर आपके किसी दो व्यक्ति के सेम आ जाते हैं, तो उस बेसिस पे आपकी डेट ऑफ बर्थ और नेम के अकॉर्डिंग जांच की होगी। तो दोस्तों, ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी ECIL जूनियर टेक्नीशियन की, जिसका पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया है, एंड एडिशनल क्वालिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट, सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ बता दिया है। तो दोस्तों, यहीं तक थी वीडियो। अगर आपको ऐसी जॉब की और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हर एक जॉब का सिलेबस चाहते हैं, वो भी कंप्लीट सिलेबस जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल का, जहाँ पर हम हर एक भर्ती का केवल सिलेबस ही अपलोड करते हैं, तो उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।